अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 विच इज़ हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। हेल्थ मैनी सेहत, रियल मैनी हकीकी, वेल्थ मैनी दौलत। सेहत जो है वो असल दौलत है। अगर हम उसका उर्दू में मीनिंग करें, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, सेहत असल में ही एक मतलब असल दौलत सेहत है। कैसे हम कह सकते हैं कि दौलत है? कैसे कह सकते हैं बेटा? क्योंकि हम जब हेल्दी होते हैं, इसका मतलब हम हर काम करने के लिए अपने आप को फ्री कर सकते हैं, फ्री कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वेल्थ हमारे पास हो लेकिन हेल्थ ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो हमारी वेल्थ हमारा कुछ भी काम नहीं कर सकेगी। असल में हमारी हेल्थ जो है वो हमें हर काम करने के लिए तैयार रखती है। तो इस हेल्थ को वेल्थ बनाने के लिए हमने क्या करना है? जी हाँ, हमने बैलेंस डाइट यूज़ करनी है। हर एक फूड का पोर्शन हमारी खुराक में होना चाहिए। जब हम हेल्दी होंगे तो हम हर काम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या आपका लाइफस्टाइल जो हेल्दी है? क्या आप टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, खाना अपने टाइम पर खाते हैं, और क्या कर सकते हैं आप लोग? इस टाइटल को जहन में रखते हुए आपने तमाम जो आपके जहन में पॉइंट्स आ रहे हैं वो अपने अपने माइंड में लाओ और मुझे बताते जाओ, साथ साथ अपने जहन में लाते जाएँ कि क्या कुछ हो सकते हैं, कि हेल्थ जो है रियल वेल्थ कैसे बन सकती है। कुछ आप लोग देखो कितने अमीर लोग होते हैं लेकिन बीमार होने की वजह से ना तो उसी तरह वो खा सकते हैं ना बस मेडिसिन पे उनका गुजारा होता है। लेकिन कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन माशाल्लाह से हेल्दी होते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक अपने सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे तो नहीं होते। जरूरी नहीं इसके बाद पैसे होंगे मालदार वही होगा, बल्कि जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसी को हम कह सकते हैं कि असली हेल्थ वेल्दी पर्सन वही है जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम इसके मुताबिक अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पता चलेगा हमें कि हेल्थ इज़ को रियल वेल्थ क्यों कहा गया। जी स्टूडेंट्स, हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ प्रोवर्ब विच मीन्स अ लॉट टू अस। हेल्थ इज़ वेल्थ एक किस्म का हमारे पास एक जरबल मिसल है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वी कैन से दैट अ हैप्पी लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ, कि खुशगवार ज़िंदगी जो होती है, खुशहाल ज़िंदगी किससे? हेल्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन या रास्तनासिब होती है। मतलब कि अगर हेल्थ अच्छी होगी इंसान खुश रहेगा, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो खुशी भी सही नहीं होगी, इंसान बस बीमार और परेशान रहेगा। अब लाइफ इज़ अ सिंपल बायोलॉजिकल साइकिल, हमारी ज़िंदगी जो है वो एक आम सिंपल सा सादा सा एक हयातियाती चक्कर है विच डिपेंड्स ऑन व्हाट वी ईट टू सर्वाइव, जो डिपेंड किस पे करता है, जिसका बाकायदा जो जिसका इन्हिसार जो है हमारी खुराक पर है कि हम क्या कुछ खाते हैं। अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड हेल्दी बॉडी मेक अ कम्प्लीट बींग, एक मजबूत दिमाग और सेहतमंद जिस्म जो होता है वो बाकायदा एक कम्प्लीट बींग या एक सेहतमंद इंसान को बनाते हैं। अ वेल्दी पर्सन इज़ नॉट द वन हु हैज़ मनी, वेल्दी पर्सन हम उसको नहीं कहेंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या बहुत ज़्यादा मनी है, बट द वन हु हैज़ हेल्थ, लेकिन वो होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा सेहत है। जो अच्छा सेहतमंद आदमी है उसको हम वेल्दी पर्सन कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अकॉर्डिंग टू फेमस पोइट रैल्फ वाल्डो एमर्सन, एक बहुत ही मशहूर शायर रैल्फ वाल्डो एमर्सन के मुताबिक, द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, सबसे पहली दौलत जो है वो सेहत है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ सेवरल थिंग्स इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी, हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, रखना होगा चाहिए, हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर हमें क्या करना है, हेल्दी या सेहतमंद रहना है। मैनी फैक्टर्स प्ले अ पार्ट इन कीपिंग अस हेल्दी, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर एंड सनलाइट। बहुत से अज्जा हैं जो कि हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखने के लिए पार्ट प्ले करते हैं या उनका अमल दरामद होता है। उनमें से हवा, पानी और सूरज की रोशनी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हम गिन सकते हैं। फ्रेश एयर हेल्प अस टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम, जो ताज़ी हवा होती है हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम है हमारी बॉडी का उसको जो है वो मजबूत रखती है। इट रेगुलेट्स आवर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ये हमारे खून के दौरान खून को, फिशारे खून को जो है नॉर्मल रेगुलेट करती है, चलाती है, और साथ में हमारा हार्ट का जो रेट है, हमारे दिल धड़कने की जो रफ्तार है उसको नॉर्मल रखती है। इट क्लियर्स आवर लंग्स एंड मेक्स अस हेल्थी, ये हमारे जो कहते हैं फेफड़ों को मजबूत हेल्दी रखती है और साफ़ करती है। ताज़ी हवा जो होती है हमारे क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को
स्ट्रेंथन करती है, हमारे मुदाफ़त निज़ाम को मजबूत बनाती है, हमारे ब्लड प्रेशर को और हार्ट को, हार्ट के रेट को सही रखती है और हमारे लंग्स की सफाई का काम करती है। एट द सेम टाइम सनलाइट हेल्प अस आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। इसी के साथ साथ जो सूरज की रोशनी है हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, यस विटामिन डी। अगर हम विटामिन डी की कमी महसूस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, इससे हमारी जो है वो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। बजाय कि हम मेडिसिन लें विटामिन डी वाली, हम धूप में जाके बैठेंगे तो उससे हमारी विटामिन डी की कमी जो है पूरी हो सकती है। और अक्सर हड्डियों की जो बीमारियाँ होती हैं विटामिन डी की कमी से शुरू होती हैं, इसलिए बच्चों को, बूढ़ों को, सब जवानों को, हर एक से कहा जाता है कि वो सनलाइट जो है प्रॉपर लेंगे। अच्छा जी, रीडिंग के दौरान हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज फ्रेश एयर हेल्प अस, कि ताज़ी हवा हमारी कैसे मदद करती है। तो अभी हमने रिसेंटली ये बात डिस्कस की है, ताज़ी हवा कैसे मदद करती है हमारी। तो आपने एज इट इज़ इसी में पैराग्राफ में से इसका क्वेश्चन जो आंसर लिख सकते हैं कि फ्रेश एयर जो हमें हेल्थी रहने में मदद देती है, हमारे लंग्स को साफ़ रखती है, हमारे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को नॉर्मल रखती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतने काफ़ी है। आप लोग इसकी स्पेलिंग वगैरह याद करें और इसके ऊपर दोबारा से अपनी कंसनट्रेट करके हेल्थ इज़ वेल्थ को ध्यान में लाएँ और पॉइंट्स ध्यान में बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे जो है कल पढ़ेंगे, ओके। और डिक्टेशन वर्ड्स आप लोग याद करने हैं और क्वेश्चन भी बनाने हैं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।